हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। दिस इज प्रेम पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं यार चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके देख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग यार, वो वीडियो पूरा इमेजेस एंड साउंड्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स के साथ था, और इस वीडियो में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट्स किया है, जो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं उनमें हमने फिगर रखा है, तो बहुत मस्त है और इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हाँ नए हो हमारे चैनल पर तो यार रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि सेल्स क्या होती हैं, हमने देखा था कि हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम सेल्स कहते हैं। अब सेल को हमने ब्रिक्स ईंटों से कंपेयर किया था, जैसे ईंट से बिल्डिंग्स बनती हैं वैसे ही सेल्स से हमारी बॉडी बनती है, समझ गए ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं अब यहां से एक्टिविटी 8.1 से। एक्टिविटी 8.1, द टीचर में सो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपका जो बायोलॉजी टीचर है वो आपको अमीबा और पैरामीशियम दिखाएगा माइक्रोस्कोप में, क्योंकि आपने अमीबा और पैरामीशियम नहीं देखा होगा क्योंकि वो खुली आंखों से दिखते ही नहीं है। अब आप देख लो, अमीबा ऐसा होता है जो फिगर ए में है और पैरामीशियम जो फिगर बी में है। कुछ ऐसा शेप अगर आपको देखना है तो आप अपने बायोलॉजी टीचर से बोलो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर वो अमीबा और पैरामीशियम का परमानेंट स्लाइड बनाकर दिखाएगा। स्लाइड्स क्या होते हैं, आप देख रहे हो ये ग्लास है ना, इस पर ही कुछ केमिकल्स डालते हैं जिससे अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें सारी चीजें दिखेंगी। अगर हम परमानेंट स्लाइड नहीं बनाते हैं तो अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर, आपका टीचर तालाब का पानी इकट्ठा कर सकता है इन ऑर्गेनिजम्स, इन जीव जंतुओं को दिखाने के लिए बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। अब आपका टीचर क्या करेगा, तालाब का पानी इकट्ठा करेगा और इसका एक स्लाइड बनाएगा और माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर दिखाएगा, तब जाकर आप कहीं अमीबा और पैरामीशियम को देख सकते हो। नाउ शेप ऑफ सेल्स अनदर पॉइंट, रिफर टू फिगर 8.3 ए। आपने 8.3 फिगर दिख रहा है, इसका जो ए वाला फिगर है ये अमीबा है, आपने इसको देखा। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, तुम अमीबा के शेप को कौन सा आकार कहोगे, क्या ये सर्कल है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या कहोगे, कौन से शेप का कहोगे तुम इसे। तो चलिए आइए देखते हैं। यू मे से दैट, तुम कहोगे कि द शेप अपीयर्स इररेगुलर, कि जो अमीबा का शेप होता है ना वो आड़ा टेढ़ा है, इररेगुलर है, कोई फिक्स शेप नहीं है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डिफाइनाइट शेप, और सच्चाई यही है कि अमीबा का कोई एक डिफाइनाइट, कोई एक फिक्स आकार नहीं होता है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, बाकी जीव जंतुओं के जैसे अमीबा किसी फिक्स शेप में नहीं रहता। जैसे इंसान हो गया, इंसान का एक शेप फिक्स है कि वो इंसानों जैसा ही दिखता है। शेर लॉयन हो गया, उसका भी एक जो शेप ऑफ बॉडी है वो फिक्स है, लेकिन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी का शेप, जिसकी बॉडी का आकार फिक्स नहीं होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, जो अमीबा है ना वो अपना आकार बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वैरिंग लेंस प्रोड्यूडिंग आउट ऑफ इज बॉडी, आप देख पा रहे हो कि अमीबा के शरीर से, इस बॉडी से दो प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, दो भुजाएं निकल रही हैं जिनका लेंथ, जिनकी लंबाई अलग अलग है, ठीक है, और ये अमीबा के शरीर से निकल रहा है। दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब क्या होता है, गलत, पोडिया का मतलब पैर, गलत पैर, गलत पैर मतलब जो बेवजह निकल जाए, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो ना, स्यूडो पोडिया, गलत पैर। अब याद रहेगा ना स्यूडोपोडिया क्या है, एज यू लर्न इन क्लास 7, तुमने स्यूडोपोडिया के बारे में क्लास 7th में पढ़ा था। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स, अब ये जो दो भुजाएं हैं जो अमीबा के शरीर से निकली हुई हैं ये आती जाती रहती हैं, जैसे अमीबा अपना खाना खाता है, अमीबा मूवमेंट करता है, तो इस प्रोसेस के दौरान ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो आर्म्स है ना, वो आती जाती रहती हैं अमीबा के शरीर
स्पीड से। समझ में आया? नाउ अब ये पहली पूछ रही है कि व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप। पहली कह रही है कि अमीबा अपना जो शेप है, जो अपना आकार है, वो बदलता ही क्यों है, उसको क्या एडवांटेज मिलता है। तो चलिए बूझो से जान लेते हैं। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। बूझो कह रहा है कि अमीबा का जो आकार है वो स्यूडोपोडिया के निकलने की वजह से बदल जाता है। अब स्यूडोपोडिया क्या है? विच फैसिलेट्स मूवमेंट। स्यूडोपोडिया अमीबा को चलने में एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, और अपना खाने को कैप्चर करने में, अपने खाने को कैद करने में अमीबा को स्यूडोपोडिया मदद करता है। अब समझ गए इस स्यूडोपोडिया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। अ व्हाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स स्पीड। अब जानते हो आप कि इंसान के शरीर के अंदर दो तरह के ब्लड होते हैं, एक होता है सफेद खून और एक होता है लाल खून। लाल खून जो हमें कट जाता है तो जो नॉर्मली लाल खून निकल जाता है उसको तो हम जानते ही हैं, लेकिन WBC क्या होता है? WBC हमारे अंदर जो भी बीमारियां इंटर करती हैं उससे लड़ता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया से लड़ता है, वायरसेस से लड़ता है, और ये पूरा काम WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि अ व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड, जो इंसान के खून में जो WBC होते हैं, जो व्हाइट ब्लड कोशिकाएं होती हैं, वो भी एक अनदर एग्जाम्पल है सिंगल सेल की। मतलब ये जो WBC होती हैं वो सिंगल सेल होती हैं जो अपना आकार बदल सकती हैं। अब WBC अपना आकार क्यों बदलती है? ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस को क्या कर सके? इनगल्फ कर सके। इनगल्फ का मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर सके, खत्म कर सके। समझ गए? बट वाइल, लेकिन एक फर्क है, अमीबा भी सिंगल सेल है और WBC भी सिंगल सेल है। अमीबा भी अपना शेप चेंज कर सकता है और WBC भी अपना शेप चेंज कर सकता है, लेकिन एक फर्क है, और वो फर्क क्या है? WBC इज अ शेल। जो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल है वो केवल एक कोशिका है जो इंसान के ब्लड के अंदर पाया जाता है, लेकिन अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो पूरे शरीर वाला एक क्या है? जीव है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अमीबा को किसी की जरूरत नहीं पड़ती जिंदा रहने के लिए। अमीबा खुद एक सिंगल सेल है और वो खुद सक्षम है जिंदा रहने के लिए। समझ में आया? नाउ What shape would you expect in organism with millions of cells? अब यहां पर पूछा गया है कि ऐसे जीव जंतु जिनके लाखों सेल्स होते हैं, जैसे इंसान हो गया, इंसान के शरीर के अंदर millions of cells होते हैं, अब इन सेल्स के शेप कैसे होते हैं? अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए आंसर करते हैं। फिगर 8.4 आपको दिख रहा है, ये है फिगर 8.4। इसमें तीन फिगर दिया गया है, ए, बी और सी, ठीक है। शोज डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड सेल, मसल सेल एंड नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इन फिगर में क्या दिखाया गया है? अब फिगर ए जो है वो हमारे अंदर जो खून पाया जाता है ना, जो ब्लड पाया जाता है, ये ब्लड के सेल्स हैं, ये राउंड है, ये सर्कुलर है। अब बी जो है, जो बी फिगर है, ये मसल सेल है और इसका जो शेप है वो स्पिंडल शेप है। स्पिंडल का मतलब क्या होता है? स्पिंडल का मतलब कोई दुबला पतला सा चीज, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप का है और ये मसल सेल है। जो शी वाला फिगर है वो नर्व सेल है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? न्यूरॉन्स से ही मिलकर हमारी एक नस बनती है। ये शेल है, कोशिकाएं हैं, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। यही यहां पर दिखाया गया, आप इसको पहचानते रहिए। जो ए वाला है वो ब्लड का सेल है, बी जो है वो मसल का सेल है, और सी जो है वो नर्व सेल है, या न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं। नाउ द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब यहां पर कहा गया है कि जो इंसान के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं उनका आकार क्यों ऐसा है? क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, ठीक है। जैसे देखो, अब आपको दिख रहा है, मैं आपको बहुत
सटीक से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे हो रेड ब्लड सेल्स गोला गोला है। अब ये सर्कुलर क्यों है? क्योंकि इसका काम है बहना। खून का काम क्या होता है? बहना। तो बहने के लिए ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि सर्कुलर है। ठीक है, ऐसे ही नर्व सेल हो गया। नर्व सेल लंबी क्यों होती है? क्योंकि इसका काम क्या होता है? नसों का काम क्या होता है? नसों का काम होता है मैसेजेस ट्रांसफर करना, ब्रेन से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफर करना। तो ये लंबी रहेगी तो मैसेज ट्रांसफर करने में क्या होता है? आसानी होती है। तो वही यहां पर बताया गया है कि द डिफरेंट शेप्स जो हमारे सेल्स होते हैं उनका अलग अलग आकार क्यों होता है? क्योंकि उस हिसाब से उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, क्योंकि उसका काम उसी प्रकार का होता है, इसलिए उनका आकार अलग अलग होता है। समझ गए? जनरली सेल्स आर राउंड। आमतौर पे जो सेल्स होती हैं वो गोलाकार होती हैं। स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब एक फुटबॉल वॉलीबॉल जिस आकार का होता है ना, उस आकार की होती हैं। या कभी कभी जो सेल्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जैसे नर्व सेल दिख रहा है आपको। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो लंबी होती हैं और दोनों छोरों से नुकीली होती हैं, जैसे मसल सेल। बी वाला फिगर दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? ये लॉन्ग भी है और पॉइंटेड भी है, मतलब नुकीला भी है। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। हम इनके शेप को, हम इनके आकार को क्या कहते हैं? ये जो मसल शेप दिख रहा है ना, ये स्पिंडल शेप का है। अब इसका नाम है जैसे सर्कल, जैसे रेक्टेंगुलर, वैसे ही स्पिंडल शेप। ठीक है, सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग। कभी कभी जो कोशिकाएं होती हैं वो काफी लंबी होती हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। कुछ जो कोशिकाएं होती हैं, जो कुछ सेल्स होती हैं, वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो होती है, ये दिख रहा है सी वाला फिगर, उनकी तरह लंबी होती हैं और शाखादार होती हैं, ब्रांचेस जैसी निकली होती हैं, जैसे सी वाले सेल में निकला हुआ है। ये जो सी सेल है ना, इसका नाम हमने रखा है न्यूरॉन्स या नर्व सेल। समझ में आया? द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस। अब ये जो नर्व सेल है, इसका काम क्या होता है? ये मैसेजेस ब्रेन से रिसीव करता है और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। जैसे दिमाग से मैसेजेस लेता है, दिमाग ने कहा कि हाथ से बोलो कि किसी को मारना है, तो दिमाग से तुरंत मैसेज लिया इस नर्व सेल ने और हाथ को दिया, और हाथ हमारा काम करता है, फिर किसी को थप्पड़ मारता है, किसी को घूसे मारता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन ने मैसेज ट्रांसफर किया, और ये मैसेज ट्रांसफर किसके थ्रू किया? नर्व सेल के थ्रू किया। समझ गए? नर्व सेल का काम क्या होता है? मैसेज का लेन देन, देयर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जिससे क्या होता है? नर्व सेल मैसेजेस ट्रांसफर करता है, जिससे हमारे शरीर की जो अलग अलग हिस्से हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं। समझ गए? नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नहीं, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप? क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि सेल्स जो होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उसका कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो सेल को एक आकार देता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। हम जानते हैं जो सेल के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं वो एक परत, एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही जो मेम्ब्रेन है, यही जो परत है जो सेल्स को घेरे हुए है चारों तरफ से, यही शेप प्रोवाइड करता है, यही आकार प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। समझ में आया? सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। जो सेल वॉल होता है वो आमतौर पर केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, मतलब प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, जो प्लांट्स के छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, उसमें सेल वॉल पाया जाता है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? इट गिव्स शेप। जो सेल वॉल होता है वो आकार देता है, और रिजिडिटी मतलब मजबूती प्रदान करता है सेल्स को। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल। जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, जो जितने भी बैक्टीरिया हो गए उनके जो सेल्स होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी सेल वॉल होता है। अब आप सेल वॉल ऐसे जान सकते हो, नारियल देखा है? नारियल का जो ऊपर वाला कवर है ना, उसको हम सेल वॉल कह सकते हैं, और जो नारियल का नीचे वाला हिस्सा होता है हम उसको मेम्ब्रेन कह सकते हैं। समझ गए? अब
चलिए आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ सेल्स। अब सेल्स का आकार कैसा होता है, मतलब छोटी होती हैं कि बड़ी होती हैं, अगर छोटी होती हैं तो कितनी छोटी होती हैं और अगर बड़ी होती हैं तो कितनी बड़ी होती हैं। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन। यहां पर कहा गया है कि जो सेल्स की साइज होती है ना, जीव जंतुओं के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल की जो साइज होती है, मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर। 1 मीटर का अगर हम 10 लाख बार टुकड़े करें ना, तो उस एक टुकड़े के बराबर सबसे छोटी सेल का साइज होता है, जिसे हम माइक्रोमीटर या माइक्रॉन कहते हैं। ठीक है, 1 माइक्रॉन के बराबर सबसे छोटी सेल होती है। और मे बी एस लार्ज एस अ फ्यू सेंटीमीटर, या ज्यादा से ज्यादा अगर हम कहें तो जो सेल की साइज होती है वो कुछ सेंटीमीटर इतनी बड़ी हो सकती है। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, लेकिन वो बात अलग है कि ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। दैट मीन्स कि हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से उन्हें बड़ा करके देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। वही मैंने बताया कि जो सेल्स होती हैं वो आमतौर पे इतनी छोटी हैं कि हमें उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाई अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, उन्हें जरूरत पड़ती है बड़ा करके देखने के लिए, और बड़ा करके देखने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे छोटी सेल होती है वो लगभग 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है, और ये सेल बैक्टीरिया की होती है। समझ गए, सबसे छोटी सेल किसकी होती है, बैक्टीरिया की। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और जो सबसे बड़ी सेल होती है उसका मेजर कितना होता है, 170 mm into 130 mm। ये जो सेल है ये ऑस्ट्रिच का अंडा है। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है, और उसकी साइज कितनी होती है, 170 mm into 130 mm। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक्टिविटी 8.2 देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, बॉइल अ हेंस एग। आपको क्या करना है, एक मुर्गी के अंडे को उबालना है। रिमूव द शेल, आपको क्या करना है, उस मुर्गी के अंडे के ऊपर का जो कवर होता है उसको हटा दो। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब तुम क्या देखोगे, अ व्हाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। तुमने देखोगे कि अंडा कैसे होता है, आमतौर पर जो उबला हुआ अंडा होता है वो कैसा होता है, वो ऊपर सफेद होता है और जैसे हम उसको काटते हैं तो नीचे येलो कलर का होता है। व्हाइट मटेरियल इज एल्बुमिन, जो सफेद कलर का ऊपर आप देख रहे हो ये जो पदार्थ है ना, ये क्या है, ये एल्बुमिन कहलाता है, जो कि उबालने के बाद कड़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। आप जानते हो जो कच्चा अंडा होता है हम उसको सीधा फोड़ के खा सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे उसके अंदर लिक्विड होता है। लेकिन अगर जैसे ही हमने अंडे को उबाल दिया तो अंडा क्या हो जाता है, सफेद कलर का जो ऊपर हो जाता है वो एल्ब्यूमिन कहलाता है, और उसके नीचे जो पीला वाला पार्ट होता है वो योल्क कहलाता है। द येलो पार्ट इज योल्क, समझ में आया, इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल। और ये जो योल्क होता है वो केवल एक सिंगल सेल का हिस्सा है, क्योंकि हम जानते हैं जो एग होता है, जो अंडा होता है, वो केवल एक सिंगल सेल होता है, और अंडे में ही पाया जाता है योल्क, तो योल्क एक सिंगल सेल का हिस्सा है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विथआउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। और ये बात अलग है कि आप अंडा भले ही सिंगल सेल है लेकिन आप उसे खुली आंखों से देख सकते हो। ठीक है, यहां पर ये एक्टिविटी थी, आपको करना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन वेजिटेरियन हो तो ये एक्टिविटी कर लेना। नाउ पहली पूछ रही है कि आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। क्या जो हाथी के अंदर सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो चूहे के सेल्स से बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं? अब हम इसको आंसर देते हैं कि द साइज ऑफ सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। यहां पर सीधा सीधा कह दिया गया है कि सेल्स का साइज का कोई भी संबंध बॉडी के साइज से नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट।
ये कहना बहुत मुश्किल है, और ये कहना जरूरी नहीं है कि जो एलिफेंट्स के सेल्स की साइज होती हैं वो चूहे के सेल्स की साइज से बड़ी होती हैं, क्योंकि भाई एलिफेंट बड़ा है तो उसका सेल भी बड़ा होना चाहिए और चूहा छोटा है उसका सेल भी छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉडी के साइज से सेल के साइज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। अब मेन बात तो यहां पर है कि जो सेल की साइज होती है ना वो उनके कार्य के अनुसार, वो उनके फंक्शन के अनुसार डिसाइड होती है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन एन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि जो हाथी का और चूहे का जो नर्व सेल होता है, जो न्यूरॉन्स होता है, वो लंबी होती हैं और शाखादार होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। चूहे के अंदर के नर्व सेल और हाथी के अंदर के नर्व सेल दोनों का काम एक ही होता है, और वो काम क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर करना, ब्रेन से मैसेज लेना और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक वो मैसेज पहुंचाना, ये है नर्व सेल का काम, ये है न्यूरॉन्स का काम। ठीक है, ये है नर्व सेल का काम, ये है न्यूरॉन्स का काम। तो हमें इतना तो पता चल गया कि बॉडी के साइज से सेल की साइज का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो सेल्स की साइज होती हैं वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 8.4, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल की बनावट कैसी होती है और सेल के कार्य क्या होते हैं, सेल के फंक्शन क्या होते हैं। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स। तुमने पढ़ा है कि हर जीव जंतुओं के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे इंसान, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इंसान के पास ईयर्स हैं, टंग है, स्किन है, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन्स हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तुमने क्लास 7 में डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा है, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, जो ऑर्गन्स बाद में मिलकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आपने देखा है, ऐसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इंसान का। ठीक है, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका हर एक अंग, हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग अलग काम करता है। जैसे कोई अंग का काम है खाने को डाइजेस्ट करना, खाने को पचाना, किसी अंग का काम है खाने को तोड़ना, एसिमिलेट करना, और किसी अंग का काम है खाने को एब्जॉर्ब करना, खाने को ग्रहण करना। ठीक है, सिमिलरली सेम इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सेम इसी तरीके से जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं, जो प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो प्लांट के जड़ होते हैं वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लीव्स, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, जैसा हमने क्लास 7 में पढ़ा है, वो खाना पकाने के काम आती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टीसूस। हम जानते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, वो टीसूस से मिलकर बनी हुई हैं। अ टीसू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू छोटे छोटे सेल्स से, मतलब एक तरीके के सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। समझ गए ना? नाउ आगे पढ़ते हैं। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। पहली ने यह महसूस किया कि जो ऑर्गन है वो टिश्यूज से मिलकर बना है, और इसके बदले जो टीसूज है आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जो सेल होता है, जो कोशिका होता है जीव जंतुओं में, वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है, मतलब सबसे छोटी इकाई कहलाता है। इंसानी शरीर का जो सबसे छोटी इकाई, या जीव जंतुओं के, प्लांट्स के,
इंसेक्ट्स के बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है सेल, और सेल्स से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। समझ पा रहे हो ना, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द सेल, मतलब सेल के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर क्या क्या सी चीजें होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल का एक हिस्सा होता है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो एक सेल के अंदर जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मतलब ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं। यहां पर देखिए फिगर दिया है, ये देखो यहां पर दिया गया है साइटोप्लाज्म, आप देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म है, और एक है सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर की बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में कुछ गोली गोली कलर का है ना, वो है न्यूक्लियस। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। वही यहां पर कहा गया है, ये देखो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही है, वही यहां पर कहा जा रहा है। नाउ आगे हम देख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सिंपली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो सेल का बाउंड्री होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये जो परत होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल्स को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, जैसे यहां पर की जा रही है, ये देखो आप देख रहे हो यहां पर पांच सेल है, पांचों सेल को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन बनाया गया है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो सेल्स को एक दूसरे से अलग करती है। और दूसरा काम क्या होता है कि आप देख रहे हो सेल के अंदर का जो मीडियम है, ठीक है, उससे भी वो बाहर दूसरे सेल को अलग करता है। अगर ये देख रहे हो आप, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये पांचों सेल एक साथ मिल जाते, है कि नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन का यही काम होता है कि द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इज पोरस, ये क्या होता है, भुरभुरा होता है सेल मेम्ब्रेन। भुरभुरा का मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, इसकी वजह से सेल की अंदर की जो चीजें हैं या मटेरियल्स हैं, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो सेल के अंदर से बाहर भी आ सकती हैं और सेल के बाहर से वो अंदर भी आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, पोरस होता है, भुरभुरा होता है, समझ गए। नाउ एक्टिविटी 8.3, इस एक्टिविटी 8.3 में हमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्लांट सेल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, यही हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरी एक्टिविटी नहीं पढ़नी है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जो प्याज होता है, प्याज का सबसे पतला, सबसे एकदम पतला हिस्सा ले लो और उसमें क्या करो, एड अ ड्रॉप ऑफ मेथाइलिन ब्लू, एक मेथाइलिन ब्लू केमिकल आता है, उसको उसमें मिला दो और उस पर कवर स्लिप लगा दो, उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखो आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल। अब आपको ये जो अलग से फिगर दिख रहा है, जो एनसीईआरटी में फिगर है, ये कंप्लीट फिगर नहीं है, मैं आपको एक अलग से फिगर दे रहा हूं। ये देखिए इसमें क्या है, द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। अब ये दिख रहा है, ये ओनियन, ये प्याज का सेल है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर जाने के बाद का इमेज है, ऐसा ही दिखता है। ठीक है, जो प्याज का सेल है वो ऐसा ही दिखता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप देख रहे हो ये जो बाउंड्री दिख रही है, जहां पर सेल मेम्ब्रेन लिखा है, वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, वो एक और मोटी सी
परत से घिरा हुआ है जिसको हम सेल की दीवार, सेल वॉल कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, आप देख रहे हो ये जो गोला गोला बीच में है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। द जेली लाइक सबस्टेंस, अब आप देख रहे हो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली जगह है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेली लाइक मटेरियल है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो चिपचिपा पदार्थ होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ गए? अब बूझो पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा है ये बूझो ने। बूझो कह रहा है कि मुझे ये जानना है कि जो प्लांट सेल होता है उनको सेल वॉल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, केवल प्लांट सेल में होता है। तो बूझो पूछ रहा है प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होता है, चलिए बताते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। तुम जानते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन हो चाहे वो प्लांट सेल मेम्ब्रेन हो, वो क्या करता है, सेल को आकार देता है, शेप देता है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अलावा देयर इज एन आउटर थिक लेयर, एक बाहरी कवरिंग होती है, एक बाहरी परत होती है सेल्स में, प्लांट सेल्स में स्पेशली, उन्हें हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाई द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। अब ये जो सेल वॉल है, जो ये एडिशनल लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन को घेरे हुए है, ये प्लांट सेल में इसलिए होता है ताकि वो प्लांट सेल की रक्षा कर सके। किस चीज से प्रोटेक्शन कर सके, प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फियरिक मॉइस्चर एसेट्रा। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं, कभी कभी आप देखते हो हमारे एटमॉस्फेयर में तापमान बहुत गर्म होता है, कभी कभी तापमान बहुत ठंडा होता है, कभी कभी आंधी चल रही होती है, कभी बरसात हो रही होती है। तो इन सारे चीजों से प्रोटेक्शन करने के लिए प्लांट्स को सेल वॉल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट्स तो बाहर ही रहते हैं। हम इंसानों के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होता, क्योंकि हम घरों में रहते हैं, हम अपने आप को पानी से, धूप से और तेज हवाओं से बचा सकते हैं क्योंकि हम घरों में रहते हैं। लेकिन प्लांट्स बेचारे तो घरों में नहीं रहते ना, दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, वो कहीं चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने सेल्स को बचाने के लिए सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पिल ऑफ ट्रेड स्कैंटिया, ठीक है, इलोडिया और रूहो। अब यहां पर कुछ बताया गया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहा गया है कि आप जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स को आप कई प्लांट्स में देख सकते हैं, जैसे ट्रेड स्कैंटिया हो गया, इलोडिया हो गया, रूहो हो गया, ये सब प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स को अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको प्लांट सेल दिखेगा। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एस इन द केस ऑफ ओनियन, अगर आपको प्लांट सेल देखना है तो जैसे हमने प्याज वाला बताया ना, प्याज की एक छोटी सी परत ले लो, उसमें मेथाइलिन ब्लू केमिकल डाल दो, आपके बायो टीचर आपको कराएंगे, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आपको दिख जाएगा कि प्लांट सेल कैसा होता है। अब पहली पूछती है बूझो से, क्या हम एनिमल सेल्स को भी देख सकते हैं, पहली के इस क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने थर्ड और लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।